राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति अध्याय 25 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। तो आइए सुनते हैं इसका ध्वनि पाठ। पृष्ठ संख्या 99 भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति 25 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण 25.1 इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विजन या विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है, जो कि न केवल शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए एक फोरम प्रदान करता है, बल्कि इसके कहीं अधिक वृहद उद्देश्य हैं। एक पुनर्कल्पित और पुनर्जीवित कैब शिक्षा मंत्रालय और राज्य स्तर पर सदृश इकाइयों या निकायों के साथ मिलकर देश में शिक्षा के विजन को लगातार अनवरत रूप से विकसित करने, सुस्पष्टता लाने, उसका आकलन करने और उसको संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसे ऐसी संस्थागत रूपरेखाओं को भी लगातार तैयार कर उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए जो इस विजन को प्राप्त करने में सहायक होंगी। 25.2 अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय या MOE के रूप में पुनः नामित किया जाए। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति अध्याय 25 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।